वो के मुन्ना के घर में घुस गए। ये दूसरे के घर में लग जा। हमारे रामचरण भाई मैच खेलने के लिए फिर आज तैयार। देखते हैं प्लेग्राउंड में पहुंचने के बाद क्या रहती है इनकी इच्छा। चलिए देख सकते हैं चूहों के द्वारा हमारे खेत के घर की लाइट की तार काट दी गई। सालों को कुछ और खाने को नहीं मिल रहा तो तारे खा ले रहे। चेला भाई हमारे सुधार कार्यक्रम में लगे हुए हैं। छुना दिया कि हुई नाचा लागा है वो तो सब ठीक है ठीक है। दो दिन की बरसात के बाद हमारे कुआं का कुछ वाटर लेवल ऊपर आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुश्किल से 15 फीट की दूरी पर है। बस काम के लिए अपना हो गया। जब किस्मत में लग गई है लंका तो लाइट कहाँ से आएगी लंका। क्या ना कहो ना दबा भी सर गया। बतावा क्या ना बताए। चल कर जा ढक्कन गिर का ढक्कन बंद कर जा। बंद कर दब दे अंदर तक जाता है वो धो लिया हुआ दब दे थोड़ी का इसे बस आराम से जाली टूटे। बंद वही ढक्कन बंद कर जा। ढक्कन बंद करके थोड़ी चालू करा वाला क्या कहता है। हाँ अरे एक नंबर माथा भंवर गया। चला भला हाँ ठीक बंद कर जा। बंद हो गया आज तक कम से कम रामचंद्र भाई पैंट पहिरे वो दिन तो चार दिन पहिरे साफ लगाए दाम के रहे। चला पानी माउ था कुछ बैटर को वजन हुई वो दिन डारे है ना वही से पूछे यही नहीं छाटा तुम्हारा काम बड़ी घिनी घिनी रहा करत किन्हों किन्हों की या देखा कहे रहा उन्हें पत पत लाए कीन वह कुल्हारी निकल गया है थे से। ये है हमारी धान की पोजीशन सोनम खाली है मुरे खबर टांगे टांगे हैं रामचंद्र भाई के हमारे बर्रैया का आगमन हुआ। चेला भाई बच गया इन्हें तुम काट ही दिया मैं बता रहे कगरे कैसे चला कगरे कैसे चला हो कब तुम पकड़ेंगे मनिया पकड़ पर रही डब्बा उठाओ। रामचंद्र हमारे आगे आगे गोली के जैसे जा रहे हैं। पार की पैर की चप्पल उतारनी पड़ेगी लेकिन यहाँ देख सकते हैं एक भी माटी हमारे पैर में नहीं लगी। तुम्हारे लागी तुम्हारे तो चप्पल आधी आधी रही हैं लगी है लगी है। पानी लाया है ना वजन है 15 लीटर का ओवर वजन तुम चल रहा ओवर लोड गाड़ी हर जगह धंसती है। सोयाबीन की नाई नहीं ग्वार चले चाहे चाहे ना चले हाथ चलना चाहिए कैसन करा थी।
हाँ इसे लंबा लंबा लाई लेता है तो ज्यादा ठीक रहा। देखिए आज के मौसम के हाल। चेला भाई हमारे पानी ढूंढने गए हैं, एक डब्बा पानी की और हमें ज़रूरत। अगर यहीं कहीं पास में मिल जाता तो कुआं के पास न जाना पड़ता, वरना हमें फिर से कुआं के पास जाना पड़ेगा। देखते हैं, 2 दिन की बारिश के बाद आज थोड़ा मौसम खुला खुला समझ में आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज अपने उड़द में दवाई डाल दी जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घास हो चुकी है। पानी बारिश आने में थोड़ा लेट हो गया, जिस वजह से इसमें दवाई नहीं डाली, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई थी, दवाई डाल देते तो इसमें हमें हमारे उड़द को नुकसान पहुँच जाता। तो आज दवाई डालने का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे रामचंद्र भाई दवाई डालने में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन से बारिश शुरू हुई है, बारिश नहीं होने की वजह से आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के धानों के हाल चाल ऐसे हो गए, बिल्कुल ज़मीन एकदम मतलब फट चुकी है पूरी, और पेड़ भी एकदम मौत की कगार में खड़ा हुआ है। लेकिन अब कल से और थोड़ा 2 दिन से बारिश का मौसम चालू हो गया, तो कुछ हद तक राहत मिल गई, वरना इन धानों को लगे कम से कम 15 दिन हो रहा है, अभी तक इनमें ढंग की मतलब हरियाली नहीं छाई। हमारे चेला भाई पानी लेके आ चुके हैं, लास्ट टंकी की व्यवस्था बन गई, मोटर चलत रही कहे से ले आया। बरसात के पानी का असली उपयोग। ये ट्रैक्टर चलाने नहीं जाते का ऐसा में? ट्रैक्टर चलाने ऐसा में नहीं जाते का? हैं? भारी रोटी बांधे है यार। धस ना जाए, नहीं मैं ट्रैक्टर बुलावे परी। धसया नहीं ट्रैक्टर बुलाऊं पाई तुम्हारे खींचे कफे। पानी आगा का है? बगीचा लगा पूरे बगीचे के हर बार आईटी का आम आ, तुम जान लाए थे आज? ओहिठा डारे जहां ही कहा ना डार या अपने दोबारा सुन तक ना डार जहां भाजी ही पे बोई है ओहन तो पानी है बचावा थे ने तो भाजी अरे नो दस सारे सब खड़ बुखड़ दियो आ उतरे डार रहा नहीं से ठीक ना पा आ हां डार ने क्या कर ले भेड़ी। म्याड़ा में डाल दिया चारू कई। हाँ चुग गए।